शामिल हुए नीतीश कुमार, कह रहे हैं कि नीतीश जी ने धोखा दिया है 11 करोड़ लोगों को, और ये चूंकि गठबंधन महागठबंधन जो बना था वो 5 साल के लिए था। नीतीश जी को अपने राजनीतिक इतिहास पर खुद झांक के देखना चाहिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जब वो 74 में संयुक्त उम्मीदवार थे तो जनसंघ ने इनको मुख्य रूप से साथ दे दिया था, और जब 80 में जबलपुर से हार गए तब मुलायम सिंह ने इनको उत्तर प्रदेश में पाला और बढ़ाया, हर तरह से सहयोग किया। और मुलायम सिंह के साथ जब धोखाबाजी हुई तब लालू प्रसाद जी इनको सर पर चढ़ा के बिहार ले गए, और लालू प्रसाद से धोखाबाजी हुई तब नीतीश कुमार के साथ लालू को छोड़ के समता पार्टी बना लिए, बाद में जनता दल यू बना लिए। अब जनता दल यू में नीतीश कुमार ने अपना एक निर्णय लिया, बिहार पार्टी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में उनके पार्टी ने निर्णय लिया। निर्णय लेकर के वो अपने राजनीतिक दिशा बदल लिए, देश के हित में समाज के हित में जो भी अच्छा लगा सो बदल लिए। बिहार के जो पार्टी है और बिहार के जो लोग हैं जनता दल यू के, सब नीतीश कुमार के साथ हैं। शरद जी के साथ तो कोई है नहीं, शरद जी तो राजनीति के जलकुंभी के जैसे छाए रहे, और अब वो बिहार में जो गए हैं करने के लिए धोखा कहा, तो जनता दल यू के नेता हैं तो मध्य प्रदेश में ये पद यात्रा निकालें, कर्नाटक में निकालें, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में निकालें, बिहार में क्या निकालने के लिए गए हैं? बिहार में तो लालू और नीतीश के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो रही है। तेजस्वी अपना जनादेश विश्वासघात क्या यात्रा निकाल रहा है। बिहार की जनता असली माने में महागठबंधन बिहार में है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नीतीश कुमार हैं, जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, रामविलास पासवान की लोजपा है, उपेंद्र कुशवाहा जी की रालोसपा है, नीतीश कुमार का जनता दल यू है, तो सारे तो इधर आ गए। अब उधर कौन चीज के गठबंधन है? गठबंधन क्या है? दो कांग्रेस पार्टी या लालू, दोनों के ऊपर में इतने भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए हैं। अब लालू जी लड़ रहे हैं, तेजस्वी लड़ रहा है, उसको मैदान में है तभी गए हैं उसमें, अप्रत्यक्ष रूप से लालू यादव के मदद करने इनके में वही आरजेडी के लोग और कुछ राजनीतिक विस्थापित लोग हैं जिनको किसी पार्टी में सहारा नहीं है, तो लगा कि शरद यादव के मंच पर एक जगह मिल जाएगी। ये उचित नहीं है, और कम से कम मैं शरद जी से पुराने साथी होने के नाते मैं प्रार्थना करूंगा कि अभी वो बिहार का राजनीतिक शोषण बंद कर दें, और अब बिहार के लोग, नौजवान जो भी बिहार के लोग हैं, वो सचेत होकर सोचे कि बिहार में नेता की कमी नहीं है, और लालू और नीतीश ने जो गलती की, मुलायम सिंह ने जो गलती की, वो उस गलती की पुनरावृत्ति करके अब शरद यादव को कोई बिहार के सर पर थोपने में लोग सहयोगी मत मिले, बल्कि उनको सब लोग हाथ जोड़ करके आरती उतार के माला पहना करके कहे कि अब बिहार को मुक्त कर दीजिए, और आप हिंदुस्तान में कहीं और राष्ट्रीय नेता हैं तो अपनी जगह खोज लीजिए, और कांग्रेस के साथ मिलकर के कहीं कोई राजनीतिक विस्थापित हो जाइएगा तो कांग्रेस के साथ मिलकर के अपने कोई जगह का इंतजाम कर लीजिए, लेकिन बिहार में जो ये आप चला रहे हैं उचित नहीं है, इसको बंद कर दीजिए।